दोस्तों, आज विक्की कौशल की फिल्म यूरी रिलीज हो चुकी है और हम आज यहाँ इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर इस फिल्म में क्या है, कैसी कहानी है इस फिल्म की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब है लेकिन बेल आइकॉन नहीं दबाया है तो अभी दबा दीजिए। दोस्तों, ये सब इसीलिए ताकि इस वीडियो के जैसे और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं तो उनके बारे में भी आपको पता चले। तो आइए बात करते हैं यूरी मूवी के बारे में। इस फिल्म में बेस कैप के पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादी भारतीय जवानों की हत्या कर देते हैं और उसके बाद भारत बदला लेने की ठान लेता है, चाहे उसका मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके सबक सीखना ही क्यों ना हो। ये सब तो ठीक है, लेकिन फिल्म में आखिर में जब इस फिल्म का हीरो एक आतंकवादी से दो दो हाथ कर लेता है, उसके बाद उसके ऊपर चाकू से भी प्रहार करता है, ये सब करने की उसकी वजह सामने आती है जो कि बहुत ही हास्यास्पद लगता है। जी हाँ, वजह यह है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने उसके बहनोई को मारा है। फिल्म का अकेला यही मोमेंट फिल्म को मात दे देता है। लगता है कि देश को ताक पर रखकर मामला पूरा पर्सनल ही कर दिया गया हो। उरी पूरी तरह से एक रिवेंज फिल्म है जिसमें दर्शकों को भारतीय सेना का एक नया ही रूप देखने को मिलेगा, एक ऐसा रूप जो दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा हो। और इन सब में शामिल है नाइट विजन्स, गॉगल्स और अत्याधुनिक शस्त्र। अब बात करते हैं मूवी के रिव्यू की। फिल्म की कहानी मेजर विहान शेरगिल के बारे में है और फिल्म में उनका इंट्रोडक्शन नागालैंड बॉर्डर के पास एक आर्मी ऑपरेशन के तहत कराया गया है। यूनिट के लोग विहान को बेहद ही ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जब विक्की अपनी माँ की बीमारी की वजह से सेना को छोड़ने का मन बनाता है तब सरकार उसे दिल्ली में एक डेस्क जॉब ऑफर करती है। जब यूरी में सेना के जवानों की हत्या सरहद पार के आतंकी कर देते हैं तब सेना के जवान इस बात को लेकर निराश हो जाते हैं कि पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने कई अटैक के बावजूद भारतीय सेना और भारत सरकार कोई भी पुख्ता कदम लेने से नाकामयाब हो रही है, और फिर उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनती है। उरी का पहला हाफ सेना के जवानों के सेंटिमेंट्स के ऊपर ज्यादा केंद्रित है। मिलिट्री ऑपरेशन से ज्यादा आपको ड्रामा और इमोशंस देखने को ही मिलेगा। कई बार ये इमोशनल सीक्वेंसेस आपको झकझोर भी कर सकते हैं, तब जब सीन में एक बच्ची अपने पिता की चिता के दौरान अपने पिता को बटालियन के स्लोगन को जोर से बोलती है। फिल्म के दूसरे हाफ में सर्जिकल स्ट्राइक और इसकी तैयारी की बात की गई है। आपको बता दे दोस्तों की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक पूरी तरह से विक्की कौशल के कंधों पर घूमती है। एक सेना के जवान के जो भी इमोशंस होते हैं, विक्की कौशल उसको सही तरीके से पर्दे पर लाने में कामयाब रहे हैं। विहान सिंह शेरगिल की भूमिका में विक्की कौशल के अभियान पर आप उंगली नहीं उठा सकते। फिल्म में उनका काम काफी शानदार है। इसके अलावा आपको बता दे कि फिल्म में मोहित रैना मेजर करण की भूमिका में नजर आएंगे, और अभियान के मामले में अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म में उन्होंने दिखा दिया है कि बॉलीवुड को एक और शानदार टैलेंट मिल गया है। आपको बता दें कि फिल्म में यामी गौतम का काम न के बराबर है। नेशनल सिक्योरिटी एडवर्टाइजर अजीत डोभाल के रोल में परेश रावल है और उनका काम भी फिल्म में सदा हुआ है। तो ये थी यूरी मूवी की वो सारी बातें जिनको जानकर शायद आप सफिशिएंट हो। अगर सफिशिएंट हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप इस जानकारी से सफिशिएंट नहीं हो तो डिसलाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें कि आपको और कौन सी जानकारी इस फिल्म के बारे में चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल अभी के इस खबर में इतना ही। बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बने रहें स्पीडी न्यूज के साथ।